इसको निकाल लेते हैं। देखो जो मैं पौधा लगा रही हूँ, देखो इसमें कितने सारे, फोकस करना यहाँ पे, कितने सारे ये रेड गेंदा है। और ये देखो ये पौधा लगा के अंदर ऐसे हो गया। और जो बची हुई ये मिट्टी है अगल बगल की, ठीक ये तैयार हो गया। और इस गमले में ही इसको ही सेट करेंगे दोनों को, तो इस वाले में दोनों को सेट करेंगे। काफ़ी मेरे पास और गमले नहीं है, सब में सब लगे हैं, लेकिन ये हमारी मम्मी ने हमको गिफ्ट किया था पौधा न्यू ईयर पे। तो मेरी मम्मी जी की बहुत शौक रहता है पेड़ लगाने का, तो मेरे को भी वो दी थी, तो उसी वजह से जो है हम इस पौधे को भी लगाएंगे, दोनों को लगा देंगे एक ही में। अभी देखिए इसको भी लगाते हैं, इसको भी लगाते हैं, थोड़ा ये गहरा करना पड़ेगा, टाइम ही लग जाएगा। ये दो पौधे लगाने हैं तो और गहरा करना ही पड़ेगा। चलिए फिर ये लगाते हैं, पहले एक साइड पहले वाला और ये दूसरी साइड। देखिए दोनों एक ही में मैंने सेटल कर दिए हैं। और अब ये मिट्टी मैंने इसके साइड डाल दी, करके मिट्टी डाल देना है और थोड़ा थोड़ा हाथ से पानी भी बाद में डालना है। ये हमारा दोनों गमले, ये जितनी बची हुई मिट्टी है इसको भी हम इन्हीं गमलों में डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं और इसमें डाल देते हैं। इसको फेंकना नहीं है क्योंकि यहाँ सिटीज के अंदर में मिट्टी भी नहीं मिलती है जल्दी से। और चलिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। और इसको कर देते हैं इधर, इसको कर देते हैं सेटिंग इन दोनों पौधों को, एक इधर दो और एक यहाँ पे। और पहले से ही देखिए हमारे पास कितने सारे अच्छे अच्छे गेंदा हैं, ये देखिए। तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं, कम पानी इसमें है। और टमाटर हो गए बड़े इसमें, और भी चल के देखते हैं। और शिमला मिर्च दिखा दूँ, ये देखो शिमला मिर्च। और ये देखो जनरल सी मिर्ची, ये देखो छोटे छोटे सी मिर्ची लगी हैं, ये बड़ा मिर्चा लग गया है। ये भी काफ़ी टमाटर लगे हैं, और ये टमाटर हैं। और ये देखो इसमें धनिया का पत्ता भी उग गया है, ये देखो धनिया, जब मैंने बोई थी तब उगी नहीं थी धनिया। और ये देखो बैंगन लगा है, और ना बैंगन पता नहीं क्यों हमारे में एक दो पेड़ में अच्छे नहीं आ रहे हैं, कड़वे से बैंगन हो रहे हैं, तो उनको हम नहीं निकाल रहे हैं।
ये देखो सौंफ हम लोग लेके बैठे हैं छत के ऊपर। हम लोग हमेशा लाते हैं सौंफ। और देखो ये कल एक फूल किसी ने तोड़ दिया, और आप ये देख लो धूप में मेरे मिट्टू को भी देख लो। आ जाओ मिट्टू, हेलो बोलो, हेलो बोलो सबको, हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, वेलकम बोलो। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय होम एंड नेचर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, और आई विश आप लोग अच्छे हो रहे हैं। पहली बात, आप लोग को सभी लोग को न्यू ईयर्स की बहुत सारी शुभकामनाएं इन फूलों के साथ, और जो है आप और आपकी फैमिली हमेशा इस नए साल में हंसती मुस्कुराती रहे। और चलिए आज देखिए मेरे व्लॉग में क्या क्या है, और आई होप आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे। तो मैं अभी छत पे हूँ, और मैं नीचे लंच बना के रख के आई हूँ, शाम होने वाली है, तो मैंने कहा चलो छत पे आप टहल लूँ। और चलो अब तोड़ लेती हूँ चाय के लिए ये जरांकुश पत्ती, और थोड़ी सी तुलसी की पत्ती ये मैंने ले ली है, थोड़ी सी तुलसी की पत्ती और थोड़ी सी जरांकुश। तो अब नीचे चलेंगे चाय वाय बनाएंगे, और तो आप बताइएगा कैसे लगे मेरे पौधे। और हाँ तो फ्रेंड्स, मैं धूप खा रही हूँ अभी, मेरी तबीयत थोड़ा 4-5 दिनों से ज़्यादा ख़राब है। आपको आवाज़ से ही ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि सर्दी जुकाम सा हो गया है, और मैं मेडिसिन ली हूँ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ऑनलाइन, और हमने लिया है और मैं ले रही हूँ मेडिसिन। और देखिए अभी कपड़े भी हमारे इधर सूख रहे हैं, और इसीलिए अभी बैठे हैं छत पे, और यहीं पर पलंग भी पड़ा है, लेटने का मन होता है लेट भी जाते हैं। तो पापा का बर्थडे होता है एक को, तो हम जा नहीं पाए थे, इसलिए कि मुझे काफ़ी छींकें की आ रही थी, लेजीनेस था, तो जाने का मन नहीं हुआ। तो अभी आज थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ, तो आज ज़रूर देखिएगा ये वीडियो, और जल्दी ठीक हूँ, अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। और मैं बहुत मिस कर रही हूँ चूल्हे पे खाना बनाने का, तो मेरा चूल्हा आपको दिखा देती हूँ चलिए पास से कि कैसा है। तो चलिए चूल्हे को भी दिखा देते हैं, और ये देखिए ऐसा है, ये देखो दिख रहा है ये। तो अभी हमने इसको साफ ऑफ करके रखा हुआ है, और
साफ कर दिया था इसे, और जब बनाना होगा तभी बनाऊंगी। तो बस सोचा कि अभी कपड़े ले चलूँ नीचे उतार लूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब चाय बनाने का टाइम भी हो रहा है, और ये देखिए मम्मी ने हमको में ये स्वेटर दिया था और दो स्वेटर दिए थे न्यू ईयर का, और काफ़ी चीज़ें दी मम्मी ने, और न्यू ईयर पे मम्मी ने काफ़ी चीज़ें दी हमको। तो सब कुछ मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, और सब कुछ शेयर करने से कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो मैं नहीं शेयर करती हूँ। और देखिए मैं कितनी आराम से बैठी हूँ ये चेयर पे, आराम हो रही है आजकल। और अभी अभी जस्ट मम्मी आई थी और बोले थी कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, काफ़ी दुबली हो गई हो, ये है वो है। तो मैंने कहा हाँ ये तो है। तो चार छः मेरी छः सात दिनों से तबीयत थी काफ़ी ख़राब सी थी। न्यू ईयर पे विश करिए आप लोग की हम खूब हेल्दी हो जाएं, अच्छे रहें। तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बात, और मैं बीमार थी इसीलिए पापा के बर्थडे में भी नहीं जा पाई। मुझे बहुत बुरा लगा कि साल में एक ही बार तो बर्थडे आता है और हम उसमें जा नहीं पाए। चलिए कोई नहीं, पापा के बर्थडे में अगली बार मैं चली जाऊँगी, और फिर अभी कुछ टाइम में पापा को कोई अच्छा सा गिफ्ट दूंगी, और मार्केट भी नहीं जा पाए थे। तो जब तबीयत ख़राब होती ना तो कुछ मन भी नहीं करता, और फिर वही बात है आपको कहीं सर्दी जुकाम हुआ है तो अगल बगल लोग यही सोचेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो फिर इसलिए निकलना भी नहीं चाहिए। अपने को भी सेफ रखिए, दूसरे को भी सेफ रखिए। तो बस ऐसे ही इन्हीं बातों के साथ और नए ईयर्स की एक बार फिर से आप सबको दिल से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएँ। और हाँ, हमारे मम्मी पापा को ज़रूर आप लोग विश करिएगा, हमारे पापा के लिए भी विश करिएगा, मम्मी के लिए भी। उनका बर्थडे था 1 तारीख को, तो थोड़ी सी क्लिप मैं इसमें शेयर करूँगी, आप देख लीजिएगा। तो चलिए फिर हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा डियर फ्रेंड्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू व्लॉग में। तो तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। उसे कॉल करें तुमने कहा? अरे नहीं, अरे रुकिए, नानी भी तो आ जाए। माचिस, अरे माचिस ना बेटा जला दे। Happy New Year and happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nana Ji. Happy birthday to you. May God bless you, we pray. May God bless you, we pray. May God bless you, dear Nanaji.